बाबा ये आपका ही आशीर्वाद है बाबा, जो इतने वर्षों के बाद हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब आप ही इसका नामकरण कीजिए बाबा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आप अपने पुत्र को मुझे दीजिए। साधु जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है तो देखता है उसके दाहिने हाथ पर एक नीले रंग का चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु उस बच्चे के ऊपर उस चिन्ह को देखकर हैरान रह जाता है। क्या बात है बाबा, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारा यह बेटा बहुत ही तकदीरी है, तुम्हारे बेटे के किस्मत में राजयोग लिखा है। हाँ बाबा, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? बेटा तुम्हारा यह पुत्र राजा बनेगा, ये 14 वर्ष की आयु में ही इस राज्य की राजकुमारी से विवाह कर राजा बन जाएगा। साधु की यह बात सुनकर हरिया बहुत खुश हो जाता है। इसी प्रकार कुछ दिन गुजर जाते हैं। और तेज, शिकार बस कुछ ही दूर पर है। राजा हिरन के पीछे भागते भागते काफी दूर निकल जाता है, लेकिन हिरन राजा के हाथ नहीं लगता। ओहो सत्यानाश हो तेरा, भागते भागते इतनी दूर निकल आया लेकिन हिरन तो हाथ लगा ही नहीं, और प्यास भी इतनी जोर की लगी है। आसपास तो कोई नदी और तालाब भी नहीं है, मुझे लगता है इस ओर कोई गांव नजदीक ही पड़ेगा। चलो इस ओर ही चलता हूँ। राजा चलते चलते उसी गांव में पहुंच जाता है जहां वह बच्चा पैदा हुआ था जिसका विवाह राजकुमारी से होना था। अरे बाबा सुनिए जरा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, कृपा कर आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वह बूढ़ा व्यक्ति अंदर जाता है और राजा को पानी का घड़ा लाकर दे देता है, फिर वह राजा पानी पी लेता है। अरे बाबा ये इतने सारे लोग इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा ये सारे लोग हरिया के घर जा रहे हैं, उसके घर एक बहुत ही तकदीरी पुत्र पैदा हुआ है, उसकी भविष्यवाणी साधु बाबा ने की है। लेकिन बाबा उस साधु ने ऐसी क्या भविष्यवाणी की है जो ये सारे लोग उसके पुत्र को देखने के लिए जा रहे हैं? बेटा साधु बाबा ने बताया था कि जब हरिया का बेटा 14 वर्ष का हो जाएगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। उस बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक किसान का बेटा उसकी पुत्री से विवाह कैसे कर सकता है। अरे नहीं नहीं मैं ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। राजा अगले ही दिन अपना वेश बदलता है और उसी गांव में पहुंच जाता है। अरे भाई ये हरिया किसान का घर कहां पर है? अरे भाई सीधे चले जाओ और गांव के आखिर में जो घर मिलेगा वही हरिया किसान का घर है। इतना सुनकर राजा हरिया के घर पहुंच जाता है। अरे ओ हरिया भाई जरा घर से बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। हाँ भाई बोलिए, आप कौन है और आप हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? हरिया भाई मैं सेठ करोड़ी मल हूँ, मैं हरिपुरा गांव में रहता हूँ। मैंने सुना है आपका पुत्र बहुत किस्मत वाला है, उसके किस्मत में राजयोग है। हाँ सेठ जी आपने बिल्कुल ठीक ही सुना है। हरिया भाई मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए सेठ जी, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई आप अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा, तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण मैं करूंगा। लेकिन सेठ जी मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। अरे हरिया भाई जरा सोच लो, मैं इसे यहाँ लेने आया हूँ, इसमें ईश्वर की ही मर्जी है कि आपके बच्चे का पालन पोषण एक अच्छी जगह पर हो। तुम सोचो तुम एक मामूली से किसान हो, तुम इसका पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं कर सकते।
हाँ हाँ भाग्यवान, सेठ जी एकदम ठीक कहते हैं। हम इस बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते। हो सकता है इसमें ईश्वर की ही मर्जी हो कि इसका पालन पोषण एक अच्छी जगह हो। ठीक है सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको दे दूंगी, लेकिन जब मेरा बच्चा 14 वर्ष का हो जाएगा तो तुम मेरे बच्चे को वापस कर देना। हाँ हाँ ठीक है, 14 वर्ष के बाद मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस कर दूंगा। इतना कहकर वह राजा बच्चे को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। क्या करूं क्या करूं, इस मासूम को मारने के लिए तो मेरे हाथ उठ ही नहीं रहे हैं। मैं ऐसा करता हूं, इसे एक लकड़ी के संदूक में बंद कर देता हूं और इसे नदी में बहा देता हूं, या इसी नदी में डूबकर मर जाएगा। इतना सोचकर राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद कर देता है और उसे नदी में बहा देता है। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। सेठ हीरा लाल सूर्य को जल अर्पित कर रहा था, तभी वह संदूक बहता हुआ उसके पैरों के पास आ जाता है। अरे ये संदूक कैसा है, आखिर इस संदूक में क्या है, चलो इसे बाहर निकाल कर देखता हूँ। अरे ये क्या, इसमें तो एक बच्चा है, लेकिन यह बच्चा तो कितना सुंदर है। हे प्रभु, लगता है आपने मेरी सुन ली। मेरी पत्नी कब से पुत्र की कामना कर रही थी और आज आपने उसे भी पूरा कर दिया। सेठ जल्दी से उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाता है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। इसी प्रकार धीरे धीरे 14 वर्ष गुजर जाते हैं। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा। सूरज अब पूरे 14 वर्ष का हो चुका था। वाह सूरज वाह, तुम तो कितने बुद्धिमान हो। सूरज की प्रशंसा गुरुजी कर रहे थे, तभी वहाँ से वही राजा गुजरता है जो किसी दूसरे राज्य में किसी जरूरी कार्य के लिए जा रहा था। अरे इतना सुंदर युवक मैंने आज तक नहीं देखा, आखिर यह किसका पुत्र है। वाह वाह, तुम तो वाकई में कितने बुद्धिमान हो, लेकिन तुम किसके पुत्र हो बेटा। मैं सेठ हीरा लाल का पुत्र हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, जाओ जाओ तुम अपना काम करो। इतना पूछकर राजा सेठ हरिदयाल के घर जाता है। सेठ जी, इतना सुंदर और बुद्धिमान बेटा आपको कैसे प्राप्त हुआ। महाराज वह मेरा बेटा नहीं है, मैंने तो सिर्फ उसका पालन पोषण किया है, इसके आधार पर वह मेरा बेटा ही हुआ। लेकिन सेठ जी यह लड़का आपको कहाँ से मिला। फिर सेठ राजा को सारी कहानी सुनाता है। ओहो इसका मतलब यह वही लड़का है जिसे मैंने 14 वर्ष पहले एक नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तब तक वहाँ पर सूरज आ जाता है। सेठ जी यदि आप बुरा ना माने तो मैं एक पत्र लिखकर अपनी महारानी को कुछ संदेश भेजना चाहता हूँ। यदि आपका बेटा सूरज उस पत्र को महारानी तक पहुँचा दे तो मैं आपको 100 सोने की मोहरे दूंगा। हाँ हाँ महाराज क्यों नहीं, मैं आपका संदेश लेकर जरूर जाऊंगा। राजा ने चुपचाप एक संदेश लिखा और उस पर अपनी मोहर लगा दी, फिर सूरज को पकड़ा दिया। सूरज उस पत्र को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। सूरज चलते चलते एक घने जंगल से गुजरता है तो वह अपना रास्ता भटक जाता है। अरे ये क्या, मैं चलते चलते इतना थक गया हूँ, लेकिन यह जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया, अब तो जल्दी ही शाम भी होने वाली है, क्या करूं किधर जाऊं। फिर सूरज आगे बढ़ता है, उसे चलते चलते जंगल में रात हो जाती है। अरे उधर क्या है,
मुझे लगता है या तो कोई झोपड़ी है, चलो मैं आज रात इसी झोपड़ी में बिता लेता हूँ। इतना सोचकर सूरज अपने घोड़े से नीचे उतरता है और झोपड़ी के अंदर चला जाता है। अरे अरे, कौन हो तुम और तुम अंदर कहाँ घुसते चले आ रहे हो? माता जी, मुझे माफ करिएगा जो मैं आपकी बिना इजाजत के अंदर चला आया। फिर सूरज उस बूढ़ी महिला को सारी कहानी बताता है। सूरज की यह सारी बातें सुनकर उस बूढ़ी महिला को सूरज पर दया आ जाती है। लेकिन बेटा, तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। यह स्थान डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो समस्या आ जाएगी। लेकिन माता जी, इतनी रात्रि में तो मैं कहीं और भी नहीं जा सकता। यदि बाहर जंगल में गया तो मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहीं पर एक कोने में ही सो जाता हूँ माता। इतना कहकर सूरज एक कोने में जाकर लेट जाता है और सो जाता है। कुछ ही देर बाद डाकू अपने घर वापस आ जाते हैं। अरे, यह कौन है जो इतना निडर होकर हमारे घर में सो रहा है? सरदार, यह सूरज है, बड़ा ही नेक दिल बच्चा है। फिर वह बूढ़ी महिला सारी कहानी उन डाकुओं को सुनाती है। उस डाकू ने जब यह बात सुनी तो उसे राजा की करतूतों पर संदेह हुआ। आखिर ऐसा क्या लिखा है इस संदेश में राजा ने? मुझे इस संदेश को खोलकर देखना ही होगा। वह डाकू जल्दी से उस संदेश को खोलकर देखता है। ये लड़का जैसे ही यह पत्र लेकर तुम्हारे पास पहुँचे तो इसे मरवा कर वहीं दूर कहीं दफना देना। ये कार्य मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। अरे राम राम राम, यह राजा तो कितना दुष्ट है। जिसके द्वारा चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो कुछ करना ही होगा। मुझे इस मासूम को बचाना ही होगा। इतना कहकर वह डाकू एक दूसरी चिट्ठी लिखकर उसकी चिट्ठी से बदल देता है। सुबह होने से पहले वह सारे डाकू वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा माता जी, अब तो सुबह हो गई है, अब मैं चलता हूँ। यहाँ पर आश्रय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर सूरज वहाँ से निकल पड़ता है। सूरज कुछ ही देर में राजमहल में पहुँच जाता है और चिट्ठी महारानी को दे देता है। महारानी तुरंत ही उस चिट्ठी को पढ़ती है। यह लड़का बहुत ही ईमानदार और नेक दिल है। यह हमारी राजकुमारी के लायक है, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी राजकुमारी का विवाह इसी के साथ हो। इसलिए तुम हमारी पुत्री का विवाह इसी के साथ कर दो। यह विवाह मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। आखिर महाराज ऐसे कैसे किसी के साथ हमारी राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं? लेकिन इस चिट्ठी पर तो महाराज की मोहर भी लगी है। इसका मतलब यह युवक सत्य कह रहा है। इतना सोचकर महारानी ने अपनी पुत्री का विवाह सूरज के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौट कर आया तो उसे पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ हो गया है। यह सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। नहीं नहीं महारानी जी, ये तुमने क्या कर दिया? तुम जल्दी से जाओ और मुझे वह पत्र दिखाओ जो मैंने तुम्हें भेजा था। महारानी जल्दी से राजा को वह पत्र दिखाती है तो राजा पत्र में कुछ और ही लिखा पाता है। अरे सैनिकों, जल्दी से जाओ और सूरज को हमारे सामने पेश करो। सैनिक तुरंत जाते हैं और सूरज को लेकर आ जाते हैं। अरे युवक, तुमने छल करके मेरी पुत्री से विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करता। लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई छल नहीं किया है। अरे मूर्ख, तू मेरे साथ भी छल करना चाहता है, लेकिन मैं तुझे अपना दामाद स्वीकार नहीं करता। हाँ, मैं तुझे एक शर्त पर ही अपना दामाद स्वीकार कर सकता हूँ। बोली महाराज, आपकी क्या शर्त है? अरे युवक, यदि तुम मुझे शैतान के दो सोने के बाल लाकर दे दो तो मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार कर तुम्हें अपना सारा राज्य सौंप दूंगा। यदि बाल लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर सूरज एक घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल पड़ता है।
वह चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुंचता है तो उसे वहीं पर रात हो जाती है। अरे सैनिक भाई, मैं एक परदेशी हूँ और आज रात मैं आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ। सैनिक तुरंत ही सूरज को राजा के पास ले जाते हैं। लेकिन बेटा, तुम शैतान के बाल लेने के लिए तो निकल पड़े, क्या तुम्हें पता भी है वह शैतान कहाँ रहता है? महाराज, मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा, यदि तुम सब कुछ जानते हो तो क्या तुम यह भी जानते हो कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा कुआं सूख क्यों गया, जबकि उसमें सबसे मीठा पानी निकलता था? हाँ महाराज, मैं यह भी जानता हूँ कि आपका मीठे पानी का कुआं क्यों सूख गया है। तो फिर मुझे जल्दी से बताओ, वह कुआं क्यों सूख गया है? यदि तुमने मुझे उसके सूखने का कारण बता दिया तो मैं तुम्हें सोने चांदी से तौल दूंगा। लेकिन महाराज, मैं इसका जवाब आपको अभी नहीं दे सकता, मैं इसका जवाब वापस आकर दूंगा। अगली सुबह सूरज वहां से आगे के लिए निकल पड़ता है। वह चलते चलते एक बड़ी सी नदी के पास पहुंचता है। ओहो, रास्ते में तो इतनी बड़ी नदी पड़ गई है, लेकिन मैं इसे पार कैसे करूं? तभी देखता है कि एक व्यक्ति नाव लेकर उसकी तरफ चला आ रहा है। अरे भाई, कृपा कर आप मुझे नदी के उस पार छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको नदी के उस पार छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है भैया, पूछिए, तुम क्या पूछना चाहते हो? मेरा सवाल ये है कि मुझे इस काम से स्वतंत्रता कब मिलेगी? अरे भाई, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, तुम्हें मेरे वापस आने तक इंतजार करना होगा। इतना सुनकर वह नाविक सूरज को नाव पर बिठा लेता है और उसे नदी पार करा देता है। वह जल्दी से नाव से नीचे उतरता है और वहां से चला जाता है। सूरज चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचता है। मुझे लगता है यह वही गुफा है जिसमें वह राक्षस रहता है, चलो इसके अंदर चलता हूँ। इतना कहकर वह गुफा के अंदर घुस जाता है। अरे कौन हो तुम और तुम इस गुफा में क्या लेने आए हो? माता जी, मेरा नाम सूरज है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी सहायता कीजिए माता। फिर वह अपनी सारी कहानी उस राक्षसनी से बताता है। वह राक्षसनी उस शैतान की माँ थी जिसके दो सोने के बाल सूरज लेने के लिए उस गुफा में गया था। माता जी, यदि मैं दो सोने के बाल लेकर नहीं गया तो राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर उस राक्षसी को उस पर दया आ जाती है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें उस शैतान के दो बाल दे दूंगी। माता जी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे दो सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, पूछो तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। फिर सूरज वही दोनों सवाल पूछता है कि वह कुआं क्यों सूखा और उस नाविक को स्वतंत्रता कब मिलेगी। बेटा, इन सवालों के जवाब तो मैं भी नहीं दे सकती, इनके जवाब तुम्हें मेरा बेटा ही दे सकता है। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक चींटी बना देती हूँ और तुम यहीं कहीं पर छिप जाना, यदि मेरे बेटे ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इतना कहकर वह बूढ़ी डायन उसे एक चींटी बना देती है। वह चींटी चुपचाप जाकर एक स्थान पर छिप जाती है। तभी कुछ ही देर में वह राक्षस भी आ जाता है। मनुष्य की दुर्गंध, अरे ये मनुष्य कहाँ है, कहाँ है वह मनुष्य? अरे बेटा, तुम किस मनुष्य की बात कर रहे हो, यहाँ पर तो कोई भी मनुष्य नहीं है। लेकिन माँ, मुझे तो यहाँ पर बहुत जोर जोर से किसी मनुष्य की दुर्गंध आ रही है। अरे बेटा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो?
अच्छा ठीक है माँ, मैं आज बहुत थक गया हूँ, अब तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, थक तो आज मैं भी बहुत गई हूँ, चलो मैं भी थोड़ा सा सो लेती। इतना कहकर दोनों आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में राक्षस गहरी नींद में सो जाता है। मुझे लगता है अब ये गहरी नींद में सो गया है, अब यही अच्छा मौका है बाल उखाड़ने का। वह डायन जल्दी से शैतान का एक बाल उखाड़ लेती है। अरे माँ, ये तू क्या कर रही है, तू मेरे बाल क्यों उखाड़ रही है? अरे बेटा, मैं बहुत डर गई थी, मैंने बड़ा ही बुरा सपना देख लिया था। ओहो माँ, तूने ऐसा क्या सपना देख लिया जो तू इतना डर गई है? मैंने देखा कि उम्बल राज्य का एक कुआं, जिसमें कुछ साल पहले बहुत मीठा पानी निकलता था, अब वही कुआं पूरी तरह से सूख गया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे माँ, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? वह कुआं इसलिए सूखा है क्योंकि उसमें एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है और उस पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेढक है। यदि उस मेढक को बाहर निकाल दिया जाए तो वह कुआं फिर से मीठे पानी से भर जाएगा। इतना कहकर वह शैतान फिर से सो जाता है। जब वह शैतान फिर से गहरी निद्रा में चला जाता है तो वह डायन फिर से उसका एक बाल उखाड़ लेती है। ओए होए माँ, तूने तो मुझे मार ही डाला, अब तुझे क्या हुआ, अब तूने कौन सा सपना देख लिया? अब तो मैंने और भी बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि झुंझुन नदी पर जो नाविक नाव चलाता है वह मुझसे पूछ रहा है कि मुझे मेरे इस कार्य से कब आजादी मिलेगी। अरे माँ, वह नाविक मूर्ख है, यदि वह अपना चप्पू किसी दूसरे आदमी के हाथ में थमा दे तो उसे इस कार्य से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन माँ, अब तू कोई दूसरा सपना मत देखना। इतना कहकर वह राक्षस फिर से सो जाता है। फिर वह डायन सूरज को वापस इंसान बना देती है। बेटा, ये लो वो सोने के बाल, और तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सूरज डायन का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वह उसी नाविक के पास पहुँचता है तो नाविक उसे नदी पार करा देता है। मेरे भाई, जिस दिन कोई व्यक्ति तुम्हारे इस चप्पू को खुद अपने हाथों में ले लेगा, उसी दिन तुम इस कार्य से स्वतंत्र हो जाओगे। इतना कहकर सूरज अपने घोड़े पर बैठता है और वहाँ से निकल पड़ता है। सूरज चलते चलते कुछ ही देर में अम्बल राज्य में पहुंच जाता है, जहां उसे अपने दूसरे सवाल का जवाब देना था। महाराज, आपका कुआं फिर से मीठे पानी से भर सकता है। तो फिर जल्दी बताओ युवक, हम अपने कुएं को कैसे ठीक कर सकते हैं? महाराज, आपके कुएं में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेढक है। यदि उस मेढक को बाहर निकाल दिया जाए तो कुएं में पानी फिर से भर सकता है। राजा ने ऐसा ही किया, उसने उस बड़े मेढक को उस कुएं से बाहर निकलवा दिया। वाह सूरज वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। आज यह कुआं फिर से मीठे पानी से भर गया, इसलिए मैं तुम्हें एक कुंटल सोना इनाम में देता हूँ। फिर वह उस सोने को अपने घोड़े पर लादता है और राजमहल की तरफ निकल पड़ता है। वह जल्दी ही राजमहल पहुंच जाता है। ये लीजिए महाराज, मैं आपके लिए शैतान के बाल लेकर आ गया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इन दोनों थैलों में क्या लेकर आए हो? महाराज, इसके अंदर सोना है। सूरज जल्दी से उन दोनों थैलों को राजा के सामने ही खोल देता है। इतना सारा सोना देखकर राजा हैरान हो जाता है। अरे इतना सारा सोना, लेकिन इतना सारा सोना तुम्हें कहाँ से मिला है? महाराज, मुझे यह सारा सोना झुनझुन नदी के उस पार पहाड़ियों से मिला है, वहाँ पर बहुत सारा सोना पड़ा है। मैं जितना भी सोना वहाँ से ला सकता था उतना ही लेकर आया हूँ। अच्छा, तो क्या मैं भी वहाँ से सोना ला सकता हूँ? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। जब आप झुनझुन नदी के पास पहुँच जाना तो तुम्हें एक नाविक मिलेगा। तुम उस नाविक का चप्पू खुद लेकर नाव चलाना और नदी के उस पार निकल जाना, तभी वह सोना तुम्हें दिखाई देगा। यदि तुमने नाव स्वयं नहीं चलाई तो वह सोना तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही राजा के मन में लालच आ जाता है और वह तुरंत ही झुनझुन नदी पर पहुँच जाता है। अरे ओ नाविक, जल्दी से इधर आ, मुझे नदी के उस पार जाना है।
इतना सुनते ही नाविक जल्दी से नाव को नदी के किनारे पर लाता है। राजा तुरंत ही उसका चप्पू खुद उठाकर नाव चलाने लगता है। तभी वह नाविक उस नाव पर से गायब हो जाता है और राजा उसी नाव का नाविक बनकर रह जाता है। उधर सूरज ही उस राज्य का राजा बन जाता है। अरे हरिया भाई, अपना बेटा मिल गया। हमारे राज्य का राजा 14 वर्ष का लड़का बना है और उसका विवाह राजकुमारी से हुआ है। इसका मतलब वही तुम्हारा पुत्र है। इतना सुनते ही हरिया और उसकी पत्नी राजमहल पहुंच जाते हैं और अपनी सारी कहानी सूरज से बता देते हैं। हाँ हाँ सूरज बेटा, यही तुम्हारे असली माता पिता हैं। तू मुझे नदी में एक लकड़ी के संदूक में मिला था। इतना सुनकर सूरज अपने माता पिता को अपने गले से लगा लेता है और उस राज्य में ही राज करने लगता है।